दोस्तों, दुबई का नाम आज के दिन दुनिया का भला कौन इंसान नहीं जानता। ये एक बेहद ही आलीशान और बेहद ही ज़्यादा लग्जरी शहर है। ख़ास तौर पर दोस्तों, इसकी पहचान है एक बहुत ही कमाल की टूरिज्म सिटी के रूप में। और दुबई शहर के चलते ही दोस्तों, यूएई की पूरी दुनिया में बहुत बड़े तरीके से पहचान है। भले ही दोस्तों यूएई एक कंट्री है और दुबई एक शहर, लेकिन फिर भी चर्चा का विषय हर समय यूएई नहीं बल्कि दुबई रहता है। ऐसा रुतबा है दोस्तों इस कमाल के और बेहद ही यूनिक शहर का। लेकिन ये तो आप सब जानते हैं कि दुनिया के हर शहर और हर देश के अपने कुछ खास लॉस एंड रूल्स होते हैं, और किसी भी देश या फिर शहर में रहने वाले लोग वहाँ के कानून को पूरी तरह से तोड़ते हैं तो उन्हें बेहद ही सख्त सजा दी जाती है। लेकिन दोस्तों, दुबई में ऐसी ऐसी सख्त सजाएं मिलती हैं कि आपके जानकर होश ही उठ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम दुबई के लॉ के बारे में पूरी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर कौन कौन से सख्त कानून दुबई में आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो यार, वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि बात होगी दुबई की तो इंटरेस्टिंग बात होने वाली है। और पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक अभी से तैयार रखो। अगर दोस्तों आप दुबई में घूमने का प्लान कर चुके हो तो यार, पहले ही मैं आप सभी को बता दूं कि आप वहां पर कोई भी ऐसी चीज अपने साथ नहीं ले जा सकते जो कि इस्लाम धर्म के बिल्कुल खिलाफ और इस्लाम धर्म के लोगों को जो चीज पसंद ना हो। और ऐसी भी कोई वस्तु दोस्तों आपके बैग में या फिर आपकी पॉकेट में नहीं होनी चाहिए जो कि शरिया लॉ के खिलाफ हो, क्योंकि दोस्तों दुबई में शरिया कानून ही चलता है। इन्हीं में से दोस्तों कुछ बेहद ही चुनिंदा चीजें हैं, ड्रग्स, नशा और इसके अलावा शराब। और इसके अलावा दोस्तों, आप वहां पर कोई एडल्ट बुक भी नहीं ले जा सकते। अगर दुबई पहुंचने के बाद आप किसी एडल्ट चीज या फिर नशे के साथ पकड़े गए तो दोस्तों आपको मौत की सजा सुनाई जा सकती है, क्योंकि यहाँ का कानून अब बड़ा सख्त है। दुनिया में आपको ऐसे बहुत सारे देश देखने को मिलेंगे जहाँ पर आप कोई भी धर्म को मान सकते हो, जैसे कि दोस्तों अमेरिका, कनाडा, यहाँ पर आप कोई भी धर्म को मान सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन यूएई में ना ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और दोस्तों दुबई भी तो यूएई का शहर ही है तो यहाँ भी यही लॉ चलता है। अगर दुबई में कोई भी इंसान दूसरे धर्म का प्रचार करता हुआ पकड़ा जाए तो उसे बेहद सख्त सजा दी जा सकती है। और दूसरे धर्म का प्रचार करने के बाद दोस्तों आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। इसके अलावा पब्लिक प्लेस पर अगर आप किसी दूसरे धर्म की बुराई करते हुए दोस्तों पकड़े गए, स्पेशली इस्लाम धर्म की, तब भी आपको सजा हो सकती है। फोटो लेना तो दोस्तों आप सभी को बेहद पसंद है। साथ ही दोस्तों, आंकड़ों का तो ये कहना है कि लड़कियों को ना सेल्फी से कुछ ज्यादा ही प्यार होता है, लेकिन दुबई जाकर ना सेल्फी पर थोड़ा कंट्रोल रखना। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको यहाँ फोटो नहीं लेना चाहिए या फिर आपको कोई रोकेगा, लेकिन फिर भी यहाँ के लॉ ही कुछ दोस्तों इतने सख्त हैं कि किसी को भी पूरी तरह से हैरान कर सकते हैं। किसी भी जगह दोस्तों आप जब घूमने के लिए पहुँचते हो तो स्पेशली आपका सबसे पहला जो काम होता है ना, वो होता है सेल्फी लेना, अपने फ्रेंड्स को भेजना, अपनी गर्लफ्रेंड को या फिर फैमिली को, और आप सबको दिखाना चाहते हो कि मैं यहाँ आ चुका हूँ। लेकिन दुबई के लॉ के अनुसार आप यहाँ पर किसी की इजाजत के बिना उसकी फोटो नहीं ले सकते। और दोस्तों सबसे खास बात तो ये है कि अगर आपकी सेल्फी में पीछे कोई दूसरा इंसान कैप्चर हुआ तो आपको सजा हो सकती है। इसीलिए यहाँ पर सेल्फी लेते समय आपको बहुत ही ज्यादा अलर्ट रहना होगा। साथ ही दोस्तों, यहाँ की किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल बिल्डिंग के साथ भी आप फोटो बिल्कुल नहीं ले सकते। इसके अलावा दोस्तों खास बात तो ये है कि यहाँ किसी भी अनजान लड़की की आप फोटो बिल्कुल नहीं खींच सकते। ऐसा करने पर आपको मौत की सजा भी सुनाई जा सकती है। अगर आप दुबई में दोस्तों घूमने के लिए जाएं तो खास बात का ध्यान ये रखना कि वहाँ यार इस्लाम धर्म के बारे में ना कुछ भी गलत मत बोलना, और ना ही इस्लामिक लोगों के बारे में, क्योंकि आप तो जानते हैं दुबई में अरबी लोग ही बसे हुए हैं और वो दोस्तों बिल्कुल पसंद नहीं करते अपने धर्म के खिलाफ कुछ भी गलत सुनना। और धर्म तो दोस्तों यहाँ पर इतना ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक है कि अगर आपने कुछ भी गलत बोल दिया, उल्टा सीधा आपके मुंह से निकल गया, तो सीधा ही मौत आपके सामने होगी। शरिया कानून दोस्तों यही कहता है कि दुबई में कोई भी इंसान इस्लामिक धर्म की बेइज्जती बिल्कुल नहीं कर सकता। अगर ऐसा करते हुए कोई पकड़ा जाए तो उसे सख्त से सख्त सजा दी जा सकती है और तुरंत उसकी जान भी ली जा सकती है। इंडिया में तो ऐसे कई केसेस हमारे सामने आए हैं अभी तक कि लड़की किसी लड़के से पर्सनली दुश्मनी निकालने के लिए उस पर झूठा रेप का केस डालती है। इसके बाद दोस्तों कई बार तो लड़के को सजा भी हो जाती है, लेकिन अगर लड़का
अपनी बेकसूरी के पूरे प्रूफ भी दोस्तों दे देता है। इसके बाद भी उसकी काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट हो जाती है लोगों के सामने, लेकिन दुबई में दोस्तों ऐसा कोई लड़की कभी नहीं करती। एक तरफ हमारे इंडिया में दोस्तों ऐसा काम करने पर लड़कियों को कोई खास सजा नहीं होती, लेकिन दुबई में दोस्तों कोई लड़की ना ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती, जिसका रीज़न है वहाँ का बेहद सख्त कानून। अगर दुबई में कोई भी लड़की किसी लड़के के ऊपर झूठा रेप का केस डालती है तो दोस्तों तो उस लड़की को 3 से 5 साल जेल में बिताने पड़ सकते हैं। इसीलिए दोस्तों यहाँ कोई लड़की सोचती भी नहीं है किसी लड़के के ऊपर फर्जी रेप केस की एप्लीकेशन डालने में। दुबई का दोस्तों शरिया लॉ बहुत ही ज़्यादा सख्त है, ये तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन यहाँ का शरिया लॉ इतना ज़्यादा सख्त है कि लड़कियों को ना कपड़े पहनने के ऊपर भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं। यहाँ पर दोस्तों कोई भी लड़की ट्रांसपेरेंट कपड़े बिल्कुल नहीं पहन सकती, और साथ ही दुबई में कोई लड़की ऐसे कपड़े भी दोस्तों नहीं पहन सकती जो बहुत ही ज़्यादा टाइटली बॉडी को प्रेस करे और बॉडी पार्ट्स की शेप कपड़ों से ही बाहर को नजर आए। हालांकि दोस्तों ऐसे दुबई में तो ना ये लॉ उतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट बिल्कुल भी नहीं है जितना कि यूएई के बाकी शहरों में है। दुबई में आपको इस रूल से थोड़ी फ्रीडम मिल ही सकती है। लड़कियों की दोस्तों बात चली रही है तो मैं आपको बता दूं, दुबई में कोई भी लड़की पब्लिक प्लेस पर ना लड़के का हाथ पकड़ बिल्कुल नहीं सकती, और ना ही कोई लड़की लड़के का हाथ पकड़ कर पब्लिक प्लेस में चल सकती है। और अगर दोस्तों कोई कपल्स दुबई में रोमांस करते हुए पकड़े गए पब्लिक प्लेस पर, तब तो उन्हें मौत की सजा बिल्कुल पक्के तौर पर दे दी जाती है। इस्लाम देश होने के चलते ही यहाँ पर अल्कोहल पूरी तरह से बैन है, और यहाँ के कुछ खास होटल्स और खास बार्स को छोड़कर दोस्तों और किसी भी जगह आपको अल्कोहल नहीं मिलेगी। इसके बाद भी दोस्तों अगर किसी ने इस कानून को तोड़ने की गुस्ताखी की और वो पब्लिक प्लेस पर अल्कोहल पीते हुए पकड़ा जाए तो उसे जेल जाना पड़ सकता है। दुबई में दोस्तों अगर किसी लड़की की शादी ऑलरेडी हो चुकी है लेकिन इसके बाद भी वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाती है और दूसरे किसी लड़के के साथ रोमांस करती है, तब उसको दोस्तों मौत की सजा पक्के तौर पर दी जाती है। और ये दोस्तों बहुत स्ट्रिक्ट लॉ है, और इस लॉ में दुबई की किसी भी लड़की को सजा होकर रहती है और किसी को भी माफी कभी नहीं मिलती। ये सजा दोस्तों बहुत ही ज्यादा तेजी से दी जाती है। अगर कोई भी लड़की दूसरे किसी गैर मर्द के साथ रोमांस करती हुई पकड़ी जाए या किसी और मर्द के साथ होटल में पकड़ी जाए, तब तो दोस्तों उसी समय उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। इंडिया में तो दोस्तों बहुत सारे दोस्त कई बार एक ही अपार्टमेंट को शेयर करते हैं, उनमें से दोस्तों बहुत सारे लड़के भी होते हैं और कई बार काफ़ी लड़कियां भी, और इंडिया में ये काफ़ी आम सी बात है। लेकिन दोस्तों दुबई में किसी भी लड़के और लड़की का एक साथ अपार्टमेंट में रहना या फिर होटल रूम में रहना पूरी तरह से इलीगल है, क्योंकि ये बात शरिया लॉ के खिलाफ है। रमजान के समय दोस्तों यहाँ लॉ थोड़ा और स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, और रमजान के समय में तो आप पब्लिक प्लेसेस पर कुछ भी खा नहीं सकते। दुबई में दोस्तों चाहे कोई अकेला लड़का हो या फिर कोई अकेली लड़की हो, उसका होटल में अकेले तौर पर रहना पूरी तरह से इलीगल, और कोई भी लड़का या फिर लड़की तभी होटल में रह सकते हैं जब उनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा हो, और इसके अलावा दोस्तों उन्हें पेरेंट्स का सिग्नेचर चाहिए होता है होटल में अकेले रुकने के लिए। यानी काफी ज्यादा यार स्ट्रिक्ट लॉ है यहाँ पर। तो दुबई में काफी ज्यादा बैड माना जाता है अगर आप बाएं हाथ से खाना खाते हो, और इसके अलावा अगर आप बाएं हाथ से किसी को कोई चीज देते हो, ये वहाँ पर दोस्तों काफी ज्यादा बुरा समझा जाता है। इसके अलावा बाएं हाथ से दोस्तों किसी डोर को खोलना या फिर बाएं हाथ से हैंडशेक करना, ये सभी वहाँ पर काफी ज्यादा बेकार माना जाता है, जिसकी वजह है कि शरिया लॉ के अनुसार बाएं हाथ को ना दोस्तों काफी ज्यादा अनलकी समझा गया है। और अगर आप दुबई जा रहे हैं तो आपको ज्यादातर काम ना दाएं हाथ से ही करने पड़ेंगे, जैसे कि हैंडशेक या फिर खाना खाना या फिर किसी के लिए डोर खोलना, ये सभी काम आपको दुबई में बाएं हाथ से नहीं बल्कि दाएं हाथ से करने हैं। दुबई दोस्तों पूरी दुनिया का एक ऐसा बड़ा ही यूनिक सा शहर है जहाँ पर कोई भी एड्रेस सिस्टम का पैटर्न बना ही नहीं हुआ, और अगर आपको दुबई की किसी खास लोकेशन पर जाना हो तो आपको उसके आसपास की किसी बेहद ही फेमस बिल्डिंग का नाम पता होना चाहिए, तभी आप उस जगह पर पहुंच पाओगे। हालांकि इसके अलावा बेस्ट तो ये रहेगा कि आप दुबई में घूमने के लिए ना गूगल मैप्स का अच्छे तरीके से यूज करें, और गूगल मैप्स की दोस्तों ऐप
यहाँ पर आपको काफी ज्यादा हाईली रेकमेंड की जाती है। शरिया लॉ के चलते दोस्तों पब्लिक प्लेसेस पर यहाँ चाहे कोई लड़का हो या फिर लड़की, उन्हें पूरे कपड़े ही पहनने होते हैं। इसके अलावा दोस्तों बीच और वाटर पार्क्स में जाने के लिए लड़कियों को एक बेहद यूनिक और अलग सा स्विम सूट पहनना होता है, ये वहाँ का सख्त लॉ है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बार ड्रग्स यानी नशों की करें तो यहाँ पर ड्रग्स पर दोस्तों पूरी तरह से 100% प्रतिबंध है। अगर कोई भी इंसान यहाँ पर ड्रग्स के साथ पकड़ा जाए तो उसी समय उसको मौत की सजा सुना दी जाती है। तो आपको दोस्तों दुबई का कौन सा लॉ, कौन सा कानून सबसे ज्यादा सख्त लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ऐसी और भी वीडियोस आनी है तो अपने चैनल रॉक फैक्ट को सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटी प्रेस कीजिए।